कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप देने वाला हूं जिससे आप अपनी स्किल्स को और अच्छा कर सकते हैं। गाइज वीडियो को एंड तक देखना और एक भी टिप को मिस मत करना, ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है, आपका गेम प्ले इससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। गाइज आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इन टिप्स को एंड आप अपने गेम प्ले को बहुत अच्छा कर पाओगे। चलो गाइज तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो गाइज वीडियो को करना है लाइक। नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा के आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना है ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की सबसे पहली टिप जो है वो है कि आपको फुटस्टेप्स को बहुत ध्यान से सुनना है। गाइज आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है, वहां पर आपको नीचे साउंड दिख रहा होगा, उसमें जो साउंड इफेक्ट है इसको गाइज आप 100 कर लेना, ठीक है। सारे के सारे बंदे इसको 100 कर लेंगे। एंड गाइज एक और बात, आप अपने हेडफोन लगा के खेला करो जिससे आपको एनिमी के पैरों की आवाज बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे मुझे यहाँ पर आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा होता है गाइज। यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को डैमेज दिया है और यहाँ पर एनिमी को मारा है। अब देखो गाइज जैसे ही मैंने इस एनिमी को मारा मुझे पैरों की आवाज आई है कि नीचे कोई एनिमी है। आप देखना मैंने हेडफोन लगा रखे हैं और उसके फुटस्टेप से ही मुझे पता चल जाएगा कि एनिमी किस साइड है। तो गाइज देखो अभी वो स्ट्रेट मेरे नीचे वाला जो घर है वहां पर है, और अब वो देखो उसके फुटस्टेप जो है बाहर की साइड जा रहे हैं, तो मैंने भी बाहर की तरफ जंप किया है। गाइज ये सारा खेल जो है फुटस्टेप्स का होता है, हमें एनिमी के पैरों की आवाज से पता चल जाता है कि एनिमी किस साइड है। उसके लिए आपको वो 100 रखना है वॉइस सेटिंग। यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को कितनी जल्दी हेड मार दिया गाइस, क्योंकि मुझे उसके फुटस्टेप से पता चल गया था कि वो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर नीचे एक एनिमी है और मैं यहाँ पर आराम से वेट कर रहा हूँ, और मुझे पता लग गया है कि वो ऊपर आ रहा है, तो मैंने उस पर गोली चला दी। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारी टिप नंबर 2, नो स्किन। गाइस आप में से जो भी गन स्किन को यूज करता है वो एक बार अपनी गन की स्किन को हटा के गेम प्ले करो, इससे गाइस आपको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा खेलते हो। क्योंकि जब आपके पास गन स्किन नहीं होगी ना, तो उससे आपका डैमेज कम हो जाएगा, रेट ऑफ फायर कम हो जाएगा, एंड गाइस आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है खेलने में। और गाइज आप में से कई के पास स्किन नहीं होगी तो उनको पता ही होगा कि कितना मुश्किल होता है, तो इसीलिए गाइज अगर किसी के पास स्किन है तो एक बार हटा के गेम प्ले खेलो, आपको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल होता है विदाउट स्किन। तो गाइज जब आपको डैमेज ज़्यादा देना होगा यहाँ पर तो आपका गेम प्ले और ज़्यादा अच्छा होगा, तो एक बार गाइज आप स्किन हटा के फिर खेलो। अब देखो यहाँ पर मेरे पास स्किन है तो आप डैमेज देखो 42 42 42 और एनिमी खत्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है स्किन और विदाउट स्किन में। तो इसीलिए गाइज जिसके पास भी स्किन है आप प्लीज़ एक बार स्किन को हटा के फिर खेलो, एंड आप देखना कि आपको कितना मुश्किल हो जाएगा एनिमी को मारना। क्योंकि गाइज हमें स्किन की आदत पड़ी हुई है, डैमेज ज़्यादा की आदत पड़ी हुई है, तो हम एनिमी को बहुत ईजिली मार देते हैं। इसीलिए आपको एक बार स्किन हटा के फिर खेलना है, आप देखना, सच्ची बोल रहा हूँ गाइज बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद ये ट्राई किया है और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। यहाँ पर मैं स्किन के साथ खेला था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्किन के साथ आपका डैमेज कितना ज़्यादा हो जाता है और आप कितनी आसानी से एनिमी को मार देते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी प्रो टिप नंबर 3 जो है यूज मोको। तो गाइज मोको की स्किल का पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। गाइज मोको की स्किल जब भी आप लगाओगे ना तो उससे क्या होगा, आपको एनिमी की पोजीशन पता चल जाएगी जब आप एनिमी को फायर करोगे। गाइज इससे फाइट लेना बहुत आसान हो जाता है, खासकर जब आप क्लोज रेंज फाइट लेते हो। यहाँ पर देखो मैंने एनिमी को डैमेज दिया, देखो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बन गया है कि एनिमी किस साइड से है। अब मुझे पता है वो घर के लेफ्ट साइड से है, तो गाइज मैं राइट साइड से जाके उसको मार रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर मैंने इसको डैमेज दिया, उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट बन गया है। अब देखो मुझे पता लग गया है वो इस ड्रम के लेफ्ट साइड में खड़ा है, तो मैंने आराम से जाके उसको मार दिया। तो मोको की जो एबिलिटी होती है गाइज वो बहुत काम आएगी आपकी, अगर हो सके तो
इस एबिलिटी को जरूर यूज करना। इससे क्या फायदा गाइस, आपके टीममेट को पता चल जाएगा कि आप किस एनिमी को मार रहे हो, कहां पे मार रहे हो, क्योंकि मैप में वो साफ दिखाई देता है रेड डॉट की तरह। और इससे एक और फायदा है गाइस, आप जब भी क्लोज रेंज फाइट लोगे तो वो ग्लू वॉल के किस साइड खड़ा है ये भी आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4, यूज इनहेलर। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इनहेलर का यूज कैसे करते हैं। गाइस जब भी आपका एचपी 150 से नीचे होगा, तो अगर आपके पास इनहेलर है और उसको आप यूज करते हो, तो आपका एचपी 25-25 करके बढ़ेगा और 150 तक आपका एचपी बढ़ता जाएगा। गाइस ये बहुत ज़्यादा काम आता है, और कहाँ काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस जब भी आप फाइट लेते हो, ठीक है, तो जब आपको डैमेज पड़ता है तो आप रनिंग में ही इनहेलर का यूज़ करके अपने एचपी को रिकवर कर सकते हो। कुछ ऐसे देखो, मैंने यहाँ पर डैमेज खाया और मैंने 2 इनहेलर मारे, तो देखो मेरा 150 तक एचपी पूरा हो गया है। कहीं इससे क्या होगा, एनिमी को लगेगा आप डैमेज्ड हो, तो गाइस वो आपकी तरफ रश करेगा एंड आप उसको आराम से मार सकते हो। इनहेलर का एक और यूज बताता हूँ गाइस, जब भी आप जोन के बाहर हो और आपका एचपी 150 से कम होता जा रहा है, तो भागते भागते आप इनहेलर यूज करो, तो इनहेलर बहुत जल्दी भी यूज हो जाता है और आपको 25-25 करके एचपी भी मिलेगा, तो आप जोन से आराम से बाहर निकल सकते हो। अब बात करते हैं हमारे टिप नंबर 5 जो है सेफ कवर। गाइस यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखना। गाइस यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो। आप क्या करते हो, जब भी आपको डैमेज पड़ता है तो आप ग्लू वॉल का कवर लेते हो। गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है, जब भी आप ग्लू वॉल लगाते हो तो उस ग्लू वॉल को आप परमानेंट कवर मत मानो। एकदम से अगर एनिमी ने उसको तोड़ा तो आप आराम से पिट जाओगे। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको डैमेज पड़ता है तो आपने अगर ग्लू लगाई और सिर्फ आपके पास एक ही ग्लू वॉल है और एनिमी उस ग्लू वॉल को तोड़ रहा है, तो आपको देखना है कि आपके पास परमानेंट कवर कौन सा है। तो सबसे पहले जाओ और उसको कवर को एकदम होल्ड कर लो और वहां जाके मेडी मारो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गाइस एनिमी आपको बहुत इजीली मार देगा। देखो यहां पे मैंने डैमेज दिया है और मैंने एनिमी की ग्लू वॉल तोड़नी चालू कर दी है, क्योंकि एनिमी बहुत ज्यादा डैमेज है। उसने वहां पर कवर नहीं लिया तो मैंने उसको आराम से मार दिया। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखो और घर में ही रहो गाइस।